हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकित शुक्ला है। सीसीएनए राउटिंग एंड स्विचिंग इन हिंदी की इस सीरीज में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में, तो आज हम नेटवर्किंग डिवाइसेस की इस सीरीज में पढ़ेंगे ब्रिज और अपने रिपीटर डिवाइस के बारे में। ब्रिज हमारा क्या होता है? ब्रिज हमारा पहले यूज होता है, नेटवर्क में यूज होता था एज अ स्विच। जैसे अब हम नेटवर्क में यूज करते हैं स्विच, इससे पहले हमारा ब्रिज यूज होता था। तो ब्रिज इज अ लेस एक्सपेंसिव डिवाइस, बहुत ही कॉस्ट में कम आपकी जो डिवाइस होती है, ब्रिज जो होता है वो सस्ता होता है। ब्रिज इज लेस एक्सपेंसिव डिवाइस विच ऑपरेट एट द डेटा लिंक लेयर, जो कि आपके OSI मॉडल की डेटा लिंक लेयर यानी लेयर 2 पे ऑपरेट होती है, जैसा कि हमारा स्विच यूज होता है। इट इज सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट डिवाइस दैट कनेक्ट मल्टीपल लाइन सेगमेंट्स। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है, ब्रिज से, ब्रिज का काम क्या होता है? दो रिवर के दो जो हमारे इंड पॉइंट होते हैं उनको आपस में कनेक्ट कराना। वैसे ही ब्रिज हमारा जो होता है वो सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट डिवाइस होता है, जो कि डिफरेंट लाइन सेगमेंट्स को आपस में कनेक्ट कराने के लिए यूज होता है। जैसा कि इस फिगर में हमारे एक लाइन सेगमेंट ये है और एक ये हमारा लाइन सेगमेंट ये है, जो कि हमारे ब्रिज के थ्रू आपस में कनेक्टेड है। तो ब्रिज के थ्रू आपस में कनेक्ट होने से क्या होता है, एडवांटेज क्या मिलता है? ब्रिज रिड्यूस द ट्रैफिक एंड वेदर टू फॉरवर्ड द फ्रेम। हमारे ट्रैफिक को रिड्यूस करने का काम ब्रिज करता है, और दो डिफरेंट लाइंस की कनेक्टिविटी के लिए भी हमारा ब्रिज यूज होता है, जो कि अब यूज नहीं होता है नेटवर्क्स में। इसकी जगह पे हमारा इंटेलिजेंट डिवाइस स्विच यूज होता है हमारे नेटवर्क में। तो अब पढ़ते हैं हमारे रिपीटर के बारे में। रिपीटर क्या होता है? रिपीटर हमारा बस टोपोलॉजी में भी यूज होता है। रिपीटर क्या करता है? हमारे जो सिग्नल्स जो होते हैं, हमारे सिग्नल्स जो वीक होने लगते हैं, उन सिग्नल्स को रीजनरेट करके उनके सिग्नल्स की स्ट्रेंथ को ग्रो अप कर देता है, बढ़ा देता है। जैसा कि हमने पढ़ा था बस टोपोलॉजी में, इस तरीके से हमारी टोपोलॉजी होती है बस टोपोलॉजी। तो उसमें क्या होता था, इधर से जो हमारी स्पीड या इंटरनेट कनेक्शन की जो स्पीड होती थी वो धीरे धीरे करके हमारी डिक्रीमेंट होता रहता है, स्पीड हमारी कम होती रहती थी। मतलब हमारे सिग्नल्स जो होते थे उनकी स्ट्रेंथ जो होने लगती कम हो जाती थी। तो इसके लिए हम बीच में रिपीटर को यूज कर सकते हैं, उनकी स्ट्रेंथ को फिर से रीजनरेट करके उनकी स्पीड को हम फिर से इंक्रीमेंट कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। ये रिपीटर्स हमारे वायरलेस डिवाइस है, जैसा कि आपने देखा होगा मोबाइल नेटवर्क्स में भी बड़े ऐसे टावर्स लगे रहते हैं, उनके ऊपर ऐसे कुछ डिवाइसेस लगे रहते हैं, और एक टावर मान लिया यहाँ पे लगाया रहता है फोन नेटवर्क में, उधर भी एक ऐसा बना रहता है। तो ये क्या करते हैं, सिग्नल्स को इधर से जनरेट करते हैं, धीरे धीरे ये स्लो होने लगते हैं। तो ये टावर इधर से इसको कैचअप करके उन सिग्नल्स को क्या करता है, फिर से उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। तो रिपीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि आपके वीकेंड जो आपके वीक सिग्नल्स होते हैं उनको रीजनरेट करके उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। जैसा कि इसमें लिखा भी है, मैंने मेंशन किया है, इस सिग्नल रीजनरेटिंग रिपीटर स्टेप डेटा आउट ऑफ द ट्रांसमिशन सिग्नल्स, द न्यू सिग्नल्स इज डुप्लीकेट द ओरिजिनल सिग्नल्स बूस्टेड टू इट ओरिजिनल स्ट्रेंथ। तो रिपीटर हमारा सिग्नल्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए यूज होता है। थैंक यू, आज की इस वीडियो में इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।